नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री चंपाई ने मुख्यमंत्री गाड़ी योजना का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बुधवार को रांची के मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री गाड़ी योजना की शुरुआत की है। राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सीएम सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री चंपाई ने कहा है कि इस योजना का आरंभ नई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया। उन्होंने कहा यह योजना सुदूर गांवों में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाएगी। सीएम ने जानकारी दी है कि इन बसों में बुजुर्ग, छात्र छात्राएं आदि निःशुल्क सफर कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के पहले चरण में झारखंड में 250 बसों का शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत राज्य के सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। सिपाही नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जारी। सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस एके राय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत के आदेश के आलोक में प्रार्थी की ओर से जिन्हें नया प्रतिवादी बनाया गया है उनकी सूची अदालत में पेश करते हुए प्रतिवादी बनाया गया। नियुक्ति परीक्षा में चयनित 4250 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाया गया है। इस संबंध में सुनील टुडू सहित 50 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सिपाही नियुक्ति नियमावली 2014 पुलिस मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त भी गलत है, इसीलिए नई नियमावली को निरस्त कर देना चाहिए। इस मामले में जेएसएससी का कहना है कि नई नियमावली के अनुसार ही वर्ष 2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया वर्ष 2018 में पूरी कर ली गई है। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने दिया इस्तीफा। जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर नीरज सिन्हा ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा दिया है। बुधवार को उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को प्रेषित किया। इसमें नीरज सिन्हा ने कहा है कि वह व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदभार का स्वतः परित्याग करने की भी बात चिट्ठी में कही है। बता दे, महज 4 लाइन के इस्तीफे में जेएसएससी के चेयरमैन ने लिखा है कि व्यक्तिगत कारणों से मैं आज दिनांक 21/2/2024 के अपराह्न में अध्यक्ष झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पद से त्याग पत्र समर्पित करता हूं और पदभार का स्वतः परित्याग करता हूं। लोबिन बनाएंगे नई पार्टी, फिलहाल झामो छोड़ने से इनकार। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से 2 वर्षों से नाराज चल रहे झामो के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में लोबिन जिस गैर राजनीति संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा के संरक्षक हैं उसका पार्टी के तौर निबंधन की तैयारी करने में जुटे हैं। अब इस पार्टी का स्वरूप क्या होगा, कब तक निबंधन होगा यह स्पष्ट नहीं है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि लोबिन एक समांतर संगठन या पार्टी को खड़ा करके अपनी पार्टी पर दबाव कायम रखना चाहते हैं। अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राजनीति परिस्थिति बदलती है तो यह अलग राह पकड़ सकते हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर लोबिन ने बताया है कि वह झारखंड बचाओ मोर्चा के संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, वह झामो नहीं छोड़ेंगे। 23 फरवरी को होगी चंपाई कैबिनेट की बैठक। झारखंड में चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 23 फरवरी को होगी। इस बैठक का आयोजन प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में शाम 4 बजे या फिर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के तुरंत बाद होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने कैबिनेट की बैठक को लेकर सभी विभागों को जानकारी भेज दी गई है। चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट समेत लगभग 2 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड के आदिवासी अन्य वोटर से मतदान में हैं आगे। झारखंड में जनरल और अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं से अधिक जागरूक आदिवासी वोटर हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि जनजातीय बहुल सीटों पर सबसे अधिक मतदान हुआ था। बता दें, झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट हैं, इनमें से 8 सामान्य सीट हैं। 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 5 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 2,24,04,856 मतदाता थे। इनमें से 1,17,37,557 पुरुष और 1,06,67,69 महिला और 230 थर्ड जेंडर वोटर थे।
शिव बारात में 8 मार्च को शामिल होंगे मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह। शिव बारात में इस बार महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में 5 भोजपुरी कलाकार देवघर आएंगे। इनमें भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश नल यादव, निरहुआ, अम्रपाली दुबे व पवन सिंह शामिल हैं। इनके साथ ही कई बॉलीवुड कलाकार से भी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के स्तर से वार्ता चल रही है। महाशिवरात्रि महोत्सव समिति के सेवायत डॉक्टर सुनील खवांडे ने बताया है कि सभी 5 भोजपुरी सुपरस्टार 8 मार्च को देवघर पहुंचेंगे। वह रात्रि में केकेएन स्टेडियम से निकलने वाली शिव बारात में शामिल होकर भ्रमण करेंगे। 1 मार्च से ही पूरी शहर को लाइटों से सजा दिया जाएगा। लोहरदग्गा में आवास विहीन लोगों को नहीं मिल पा रहा अबुआ आवास का लाभ। प्रखंड में अबुआ आवास योजना भ्रष्टाचार का खेल बनकर रह गया है। आवास विहीन लोग परेशान हैं, आवास के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जबकि वैसे लोग जिन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल चुका है या पक्का मकान है, वैसे लोगों को अबुआ आवास योजना में स्कोर बढ़ाकर लाभ दिया जा रहा है। साथ ही बुधवार को स्वीकृति पत्र दिलाने रांची ले जाया गया, जबकि आवास विहीन लोगों का स्कोर 0 कर दिया गया। लोग अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बीते दिनों अबुआ आवास योजना के तहत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में जरूरतमंद लोगों को आवास दिए जाने को लेकर टकराव देखा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बता दें, बेहट पंचायत के मुखिया राज किशन उराव का कहना है कि विधवा एवं आवास विहीन महिला को आवास प्राप्त होना चाहिए, परंतु स्कोर नहीं होने की वजह से महिला को आवास नहीं मिल पाया। जेई परीक्षा के अभ्यर्थियों ने किया जेएसएससी का हवन व पिंडदान। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को जेएसएससी की आत्मा शांति को लेकर हवन व पिंडदान किया। हवन व पिंडदान के लिए 2 पंडितों को बुलाया गया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने राजभवन से रांची विश्वविद्यालय तक पदयात्रा निकाली। 22 फरवरी की सुबह 9 बजे राजभवन के समक्ष जेएसएससी का मृत्यु भोज किया जाएगा। बता दें, अभ्यर्थियों ने झारखंड की जनता को इस भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी भेजा है। उल्लेखनीय है कि डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकालने की मांग को लेकर अभ्यर्थी 16 फरवरी से राजभवन के समक्ष आमरण अनशन पर हैं। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने जेएसएससी की शव यात्रा भी निकाली थी। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क का प्रवेश शुल्क 50 करने के विरोध में प्रदर्शन। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में प्रवेश शुल्क के नाम पर मनमानी वसूली के खिलाफ बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा प्रतिमा निर्माण समिति ने पार्क के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष रवि मुंडा ने कहा है कि इस पार्क से भगवान बिरसा की यादें जुड़ी है, लेकिन युवकों ने पैसा कमाने के चक्कर में इसे ठेकेदार को सौंप दिया। ठेकेदार प्रवेश शुल्क के नाम पर प्रति व्यक्ति 50 रुपये वसूल रहा है, यह गलत है। उन्होंने कहा है कि रांची शहर में जितने भी पार्क हैं, कहीं भी इतना प्रवेश शुल्क नहीं है। श्री मुंडा ने कहा है कि मनमानी का आलम यह है कि यहाँ से बच्चों से 30 रुपये व पार्किंग के नाम पर भी 20 रुपये वसूले जाते हैं। आज भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे एचईसी कर्मी। एचईसी कर्मी की हड़ताल बुधवार को 36वें दिन भी जारी रही। कर्मियों ने तीनों प्लॉट और मुख्यालय के समक्ष एकत्र होकर प्रबंध के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अधिकारियों को मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया गया, इसके बाद वे लौट गए। इधर गुरुवार को एचईसी कर्मी दिन के 11 बजे भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे। इसको लेकर बुधवार को आवासीय परिसर व आसपास के क्षेत्रों में माइक से प्रचार प्रसार किया गया है। बता दें, एचईसी बचाव संघर्ष समिति के मनोज पाठक ने कर्मियों से आह्वान किया है कि वे सुबह 8 बजे एचईसी मुख्यालय के सामने एकत्रित हो और दिन के 10 बजे रैली के रूप में हरमू रोड स्थित भाजपा कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में शामिल हों। जेएसएससी अध्यक्ष का प्रभार प्रशांत कुमार को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने बुधवार को अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को भी इससे अवगत करा दिया है। श्री सिन्हा ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में व्यक्तिगत कारणों से स्वतः जेएसएससी अध्यक्ष पद त्यागने की बात कही है। गौरतलब है कि पेपर लीक प्रकरण व छात्रों के लगातार हो रहे प्रदर्शन से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन नाराज थे। वह पहले भी कह चुके थे कि एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी अपना काम करेगी। नीरज सिन्हा के इस्तीफे के तुरंत बाद सरकार ने जल संसाधन विभाग में सचिव आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार को जेएसएससी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। बता दें, जेएसएससी में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य होते हैं। फिलहाल आयोग में दूसरे सदस्य का पद 7 जनवरी से रिक्त पड़ा है। हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने पर निर्णय आज। 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में शुरू हो रहे बजट सत्र की कार्यवाही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं, इस पर गुरुवार को पीएमएलए के विशेष कोर्ट का फैसला आना है।
मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र 2 मार्च तक चलेगा। इसी बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होगा, इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है। एक्शन मोड में मंत्री बसंत सोरेन। पथ निर्माण, भवन निर्माण और जल संसाधन मंत्री बसंत सोरेन ने बुधवार को राज्य की सड़क और पुल योजनाओं की समीक्षा की। प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने प्रमंडलवार योजनाओं का हाल लिया। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख के लाल, मुख्य अभियंता सहित कार्यपालक अभियंता भी मौजूद थे। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है, इस वजह से योजनाएं प्रभावित न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने योजनाओं की स्वीकृति से लेकर क्रियान्वयन तेज करने को कहा। श्री सोरेन ने कहा कि किसी भी हाल में योजनाएं बाधित न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वन भूमि के कारण बाधित सड़क निर्माण से जुड़ी योजनाओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर समस्याओं का निराकरण करे। झारखंड कांग्रेस के 8 विधायक लौटे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सरकार के कैबिनेट विस्तार के साथ ही झारखंड में कांग्रेसी विधायकों ने झारखंड की राजनीति तापन बढ़ा दी। कांग्रेस कोटे से शामिल चारों पुराने मंत्री का विरोध कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के सामने अपनी आपत्ति जताई और ज्ञापन सौंपकर मंत्रियों को हटाने की मांग की। विधायकों ने कहा कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी विधानसभा नहीं जाएंगे। पिछले शनिवार को 8 नाराज विधायक दिल्ली उड़ गए। बता दें रांची में 12 विधायकों की संख्या दिल्ली जाते जाते घटकर 8 हो गई। वही 8 विधायक 4 दिनों तक दिल्ली में ही डेरा जमाए रहे। महिला किसान ग्रामीणों को बता रही मोटे अनाज के सेवन के लाभ। झारखंड के साहेबगंज जिले की महिला किसान अब खेती बाड़ी करने के अलावा ग्रामीणों को हेल्थ टिप्स भी दे रही है। महिला किसान लोगों को मोटा अनाज खाने से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दे रही है। साहेबगंज जिले के 75 महिला किसानों को यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण में मोटे अनाज की खेती के तरीके एवं इससे होने वाले फायदे को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने की भी टिप्स दिए गए। दरअसल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है। बता दें साहिबगंज जिले में इस साल खरीफ वर्ष 2023-24 में मोटे अनाज की 1390 हेक्टेयर में खेती करने का लक्ष्य तय किया गया था। तीरंदाजी का हब बनेगा कोल्हान, 250 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। कोल्हान के सरकारी स्कूलों में शूटिंग रेंज बनाकर योजनाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। तीरंदाजी हब बनाने के लिए कोल्हान में 250 ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत जिले के पोटका प्रखंड के सरकारी स्कूलों से की गई है, जहाँ लगभग 21 सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। जमशेदपुर या फिर अन्य निजी प्रशिक्षण केंद्र में ग्रामीण बच्चे प्रशिक्षण शुल्क देने में असमर्थ होते हैं, वैसे बच्चे सरकारी स्कूलों में तीरंदाजी का प्रशिक्षण ले पाएंगे। कांग्रेस विधायकों का दावा, बहुत जल्द मंत्री और संगठन में होगा बदलाव। विगत 4 दिनों से चंपाई सोरेन सरकार में कांग्रेस के पुराने मंत्री नहीं बदले जाने से नाराज दिल्ली में जमे विधायक रांची लौट आए हैं। सभी 8 विधायक देर शाम फ्लाइट से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि हम अपनी मांग पर नहीं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण दिल्ली गए। हमारे कार्यकर्ता बदलाव चाहते थे। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेताओं ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और गंभीरता से लिया। कहा कि नेतृत्व के निर्णय पर भरोसा रखें। आप लोग क्षमतावान नेता हैं, आप आइए और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। विधायक इरफान ने दावा किया है कि बहुत जल्द झारखंड के मंत्रियों और संगठन में फेरबदल होगा। झारखंड पॉलिटेक्निक टेस्ट की डेट जारी। झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी तथा पीपीपी मोड पर संचालित संस्थानों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 7 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि 21 मार्च निर्धारित की गई। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से झारखंड सरकार के मिनी टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटरों में भी नामांकन होगा। यह प्रवेश परीक्षा रांची, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो एवं पलामू के जिला मुख्यालयों के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में OMR शीट पर ली जाएगी। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।